हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करें यहाँ पे PT365 जो कि हमारे इन्वायरमेंट की चल रही है। तो एयर पॉल्यूशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम लोग वाटर पॉल्यूशन और इसके कंजर्वेशन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मैरीन प्लास्टिक पॉल्यूशन के साथ, क्योंकि प्लास्टिक पॉल्यूशन एक वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सिचुएशन ये क्रिएट कर रहा है आज के डेट में पॉल्यूशन के फेज़ में। तो सेकंड, सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग देखेंगे। इस बार एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है ब्रेकिंग द प्लास्टिक वेव, अ कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ पाथवेज टुवर्ड स्टॉपिंग ओशन प्लास्टिक पॉल्यूशन, जो कि यहाँ पे पब्लिश किया गया है प्यू चैरिटेबल ट्रस्ट इन पार्टनरशिप विद सिस्टमिक लिमिटेड। ओके, तो अब देखते हैं कि ये जो आपका जो भी रिपोर्ट है, रिपोर्ट की यहाँ पे हाईलाइट क्या है, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली क्या चीज़ें यहाँ पे न्यू निकल कर आई है। तो सबसे पहले बताया जा रहा है कि जो एनुअल फ्लो है प्लास्टिक का, एक साल में जो प्लास्टिक हमारे ओशन में आ रही है वो 2040 तक 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। आज के डेट में जितना है ना वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, और 29 मिलियन मेट्रिक टन्स तक हम लोग हर एक साल देख रहे हैं कि ये बढ़ते जा रहा है। अगर हम लोग किसी भी तरीके का इसको रोकने का एक्शन नहीं लेंगे तो हर एक साल करके 2040 तक ये बढ़ जाएगा, 3 बार, ट्रिपल टाइम्स ये बढ़ जाएगा। वाटर जो प्लास्टिक है ये 80% सारे मैरीन डेब्रिस का ये आपका कॉन्स्टिट्यूट करता है, यानी कि जितने भी आप देखो कि पानी ओशन में जितना भी कचरा है ना वो प्लास्टिक है, और 80% तक ये प्लास्टिक है जो कि सरफेस वाटर में तो है ही, वो तो तैर ही रहा है, साथ ही साथ डीप सी सेडिमेंट्स में भी देखने को मिलेगा, यानी कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और जो भी मछलियाँ वगैरह रहती है तो वो खाने के लिए ना प्लास्टिक को ले जाती है नीचे, और फिर उसके बाद क्या होता है कि ओशन लेक सीज ये जितने भी है उसके एकदम सतह पर भी आपको प्लास्टिक ही देखने को मिलेगा। तो पूरी तरीके से मैरीन कचरा अगर आप बोलोगे तो सिर्फ 80% जो है वो प्लास्टिक है, तो आप समझ सकते हो कि प्लास्टिक कितना ज़्यादा जो है एक डेंजरस रोल प्ले कर रहा है। साथ ही साथ प्लास्टिक की बात करें तो इसको डिटेक्ट भी किया गया है सारे कॉन्टिनेंट के शोर लाइन में। तो जैसे कॉन्टिनेंट एंड होता है और ओशन स्टार्ट होता है ना, तो इस शोर लाइन, इसको शोर लाइन कहते हैं, जहाँ पे सिर्फ प्लास्टिक ही प्लास्टिक आपको देखने को मिलेगा। अब ये प्लास्टिक का सोर्सेस कहाँ से आता है, मीन्स इतने प्लास्टिक कहाँ से आ रहे हैं, तो आप लोग देखोगे कि अपने आम जिंदगी में भी आप लोग बहुत फ्रिक्वेंटली प्लास्टिक यूज़ करते हो, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स भी आप लोग यूज़ करते हो जो कि प्लास्टिक की बनी होती है, बट ज़्यादा ध्यान नहीं जा पाता है। जैसे अगर मेन सोर्स हम लोग मैरीन प्लास्टिक का देखें तो लैंड बेस्ड ही है, जैसे अर्बन से जो स्टॉर्म या फिर रन ऑफ होता है, सीवर ओवरफ्लो होता है, बीच विजिटर्स होते हैं, साथ ही साथ इनएडिक्वेट वाटर डिस्पोजल और मैनेजमेंट है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं। तो इसको मैं एकदम लेमैन लैंग्वेज में समझाती हूँ। जैसे देखिए, जो भी लहरें हैं, पानी है, रिवर है, तो रिवर आकर, छोटी छोटी रिवर आकर बड़े बड़े ओशन में मिलती है, तो वो रिवर अपने साथ ना कई बार जितने भी प्लास्टिक के बॉटल होते हैं, प्लास्टिक की पॉलीथीन्स वगैरह होते हैं, वो सब कैरी करते हुए, वो जो है फ्लो करते हुए एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करते हुए लेकर जाते हैं। तो वो अल्टीमेटली सारी छोटी रिवर जो है वो कहाँ डंप होती है, बड़े बड़े महासागर में डंप होती है, ओशन में। तो इसीलिए जाकर जो है सारी जितनी भी रिवर्स हैं वो सब जो है प्लास्टिक का कचरा वहीं फेंक देती है। साथ ही साथ सही तरीके से वाटर डिस्पोज भी नहीं किया जाता। आप देखो कि इंडस्ट्री से भी बहुत सारे कचरे निकलते हैं, इंडस्ट्री तो ठीक है वो गंदा पानी ही आपका भेजता है, लेकिन हॉस्पिटल के कचरे आप जब देखोगे तो उसमें अधिकतर जो है प्लास्टिक की चीज़ें होती है। जैसे जो भी आप सिरिंज लगाते हो तो सिरिंज का जो रैपर फेंकते हो, फाड़ते हो पहले, उसको फेंका जाता है, वो प्लास्टिक का होता है। सिरिंज जो बना हुआ रहता है वो प्लास्टिक का होता है। कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें आप देख सकते हो कि जो कि प्लास्टिक के बने होते हैं, हॉस्पिटल्स के जितने भी कचरे निकलते हैं तो वो डायरेक्टली डंप कर दिया जाता है आपके लैंडफिल में। लेकिन धीरे धीरे अगर मान लो उसके बगल से कोई भी रिवर जा रहा है तो वो उसको खींचते 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 जो है वो सब लेकर जो है पानी में अपना बहा जाता है। साथ ही बीच विजिटर है, बहुत सारे ऐसे बीच है, क्योंकि हमारी सदर्न पोर्शन आप देखोगे तो 9 स्टेट से ये घिरी हुई है और इसमें आपके बहुत सारे बीच है, तो वहाँ पर जितने भी बीच विजिटर जाते हैं, घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं, वो तो जो भी खाते पीते हैं वो वहीं फेंक देते हैं। समटाइम्स ऐसे देखने को मिला है कि बहुत सारे बीचेस गंदे हो गए जितने भी वहाँ पे टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। जो भी आप खाओ, जैसे कि मान लो अगर आप लेस खाते हो, कुरकुरे खाते हो, तो ये भी आप फेंकोगे तो वो तो आपका प्लास्टिक का ही बना रहता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखो कि कंस्ट्रक्शन और इलीगल डंपिंग, गलत तरीके से डंप करना कहीं पे भी, कचरों का सही जगह पे नहीं डंप करके गलत जगह पे डंप करना भी, ये कई बार देखा गया है कि ये क्या होता है कि ओशन या फिर रिवर वाटर में ये मिक्सअप हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि प्लास्टिक के आने का सोर्स ना एक तो नहीं है, बहुत सारे प्लास्टिक के आने का सोर्स है। और हार्मफुल इफेक्ट अगर हम लोग प्लास्टिक पोल्यूशन का देखें, इस तरीके से प्लास्टिक पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है तो ऑब्वियस है कि इसकी हार्मफुल इफेक्ट भी होगी। तो इससे क्या है ना कि थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू डिकम्पोज लगता है। इट मींस कि अगर आप जैसे कोई कागज फेंकते हो या फिर जो चाय पीते हो आप लोग कुल्हड़ वाली कप में उसे आप फेंकते हो ना, तो वो आसानी से डिकम्पोज हो जाता है
विद इन 10 days या फिर आपका जो है 1 month 2 month में, या फिर कोई कागज़ भी आप फेंकते हो तो वो तुरंत जो है मिट्टी के साथ डिकम्पोज हो जाता है। बट प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में ना थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, इसलिए बहुत सारे प्लास्टिक जो है वो सरफेस ऑफ वाटर में या फिर ऐसी सरफेस लैंड सरफेस में आपको बिखरे हुए दिखेंगे। इससे क्या होता है कि अगर पानी में चला गया तो जितनी भी मैरिन लाइफ है, चाहे वो मछलियाँ हो, चाहे और भी जीव जंतु हो, बहुत सारे फ्लोरा भी रहते हैं, फौना भी रहते हैं, उन सबको इम्पैक्ट होता है। ओशन हेल्थ ख़राब हो रही है, हमारे गंदे हो रहे हैं ओशन, कोस्टल टूरिज्म जो है वो यहाँ पे इफ़ेक्ट हो रहा है उनको, इवन ह्यूमन हेल्थ पे भी। आप देखो कि जो प्लास्टिक हम लोग फेंकते हैं वो जाता है ओशन में, ओशन में जितने भी मछली वगैरह होते हैं या सी में या रिवर में भी जो भी मछली वगैरह होते वो उसको खाते हैं, तो प्लास्टिक उनके अंदर जा रहा है और हम लोग इन मछलियों को खाते हैं, तो इनडायरेक्टली जो है वो प्लास्टिक हमारे अंदर जाता है। तो इसीलिए आप देखो कि एक तो ओशन ख़राब हो रहा है, इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है, साथ ही साथ मैरिन पॉपुलेशन यहाँ पर घटते जा रही है, प्लास्टिक खाने से बहुत सारे जीव जंतु की मौत भी हुई है और वही प्लास्टिक हम लोग भी कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमारे हेल्थ में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो यही चीज़ें कही गई कि ये ह्यूमन फूड चेन में इंटर हो चुका है। अब देखते हैं कि क्या क्या एफर्ट्स लगाया जा रहा है, ऐसा तो नहीं है कि हाथ में हाथ रख के बैठे, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ये इंडिया की प्रॉब्लम है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। तो ऐसा इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या काम किया जा रहा है, कौन कौन से कन्वेंशन है, इसको देखते हैं। सबसे पहले 1972 का कन्वेंशन है ऑन द प्रिवेंशन ऑफ मैरिन पॉल्यूशन बाई डंपिंग वेस्ट एंड अदर मैटर, जिसको लंडन कन्वेंशन भी कहते हैं। साथ ही सेकंड है यहाँ पे 1978 का प्रोटोकॉल टू द इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप, तो इसको हम लोग मारपोल कहते हैं। तो ये दो तरीके का आपको देखने को मिलेगा कन्वेंशन है, जिसमें कि यहाँ पे जो प्लास्टिक पॉल्यूशन हो रहा है, मैरीन पॉल्यूशन हो रही है, उसको रोकने के लिए यहाँ पे काम किया जा रहा है। अब देखिए कि इंडिया और इसके इफ़ेक्ट्स क्या है, ये दो तो यहाँ पे इंटरनेशनल कन्वेंशन है, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कौन से कन्वेंशन को फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो मारपोल है ना, इसे हमने साइन किया है, इट मींस कि इसके जितने भी यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन है हमें अच्छा लगा, हम इसे अपने कंट्रीज़ में भी इम्प्लीमेंट करने का सोचेंगे, बट अभी लाया नहीं गया है, लेकिन इसी के बेसिस पे कानून बनाया जा रहा है। जैसे आप देखो कि प्रिवेंशन ऑफ मरीन पॉल्यूशंस है, ये डील किया जा रहा है मर्चेंट शिपिंग रूल्स 2019 में लाया गया था। उसके बाद एक है कि पीरियोडिक सर्वे किया जाता है हमारे इंडियन फ्लैग वेजल्स का, जिसमें ये इंश्योर कराया जाता है कि ऊपर जितने भी रूल्स हैं ना उसके साथ हम लोग काम कर रहे हैं कि नहीं, वो कंप्लाइंसेस है कि नहीं। फॉरेन वेजल्स भी इसी तरीके से काम करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, जो कि पोर्ट स्टेट इंस्पेक्शन रिजिम के अंदर देखने को मिलेगा। सरकार के द्वारा आप देखो कि नंबर ऑफ स्टेप्स यहाँ पे अनाउंस किए गए हैं कि कैसे जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको फेज़ आउट करें। सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या होता है कि एक बार आप उसको इस्तेमाल करके फेंक देते हो, जैसे बहुत कॉमनली आप लोग बाहर जाते हो और टेंडर कोकोनट आप पीते होंगे, तो उसकी जो स्ट्रॉ है ना वो आप पीते हो, उसको वहीं पर डंप कर देते हो। अब वो बेचारा पतला सा जो स्ट्रॉ होता है उसको भी डिकम्पोज होने में काफ़ी थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं, और पता नहीं अगर वो पानी में मिल गया, रिवर्स में अगर फेंका गया वो, तो वो वापस से घूम फिर के कहाँ चला जाएगा, ओशन में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ये सारे जो है ना बहुत घातक होते हैं, घातक इन द सेंस कि हैजार्डियस होते हैं। ओके, तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को यहाँ पे फेज़ आउट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे कि कई बार रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था कि पॉलीथीन अवेलेबल नहीं होंगे, ऐसे बहुत सारी जगह भी है जहाँ पे पॉलीथीन अवेलेबल नहीं होते हैं, वो आपका क्लोथ वाला जो पॉलीथीन है या फिर जूट वाले जो बैग है अब वो अवेलेबल होते हैं, तो लेकिन फिर भी प्लास्टिक के अभी भी अवेलेबल है, लेकिन उस तरीके से नहीं है जैसे पहले था। तो ये सारे काम यहाँ पे किए जा रहे हैं, और हमारे यहाँ 2018 में एक रूल्स भी लाया गया था जिसे हम लोग प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स कहते हैं। साथ ही BIS है जिनके द्वारा यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड के साथ वो यहाँ पे काम किए थे कि कौन सा प्लास्टिक माइक्रोबिट्स जिसकी डायमीटर 5 मिलीमीटर और इससे लेस है तो वो इनसॉल्युबल होते हैं, वो पानी के साथ घुलते भी नहीं है। सॉलिड वॉस यहाँ पे प्लास्टिक पार्टिकल्स हैं जो कि एक्सफोलिएट, इसको यूज़ किया जाता है एक्सफोलिएट या फिर क्लींस में, जो कि पर्सनल केयर प्रोडक्ट में भी हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें बैन भी की गई है। जैसे आप लोग देखो कि बहुत सारे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स भी आते हैं, ये सारे लिपस्टिक वगैरह, आईलाइनर वगैरह, तो उसमें भी बहुत सारा जो है ना प्लास्टिक की भी उसमें आप देखोगे कि कुछ ना कुछ चीज़ें बनाई जाती है उसमें इंक्लूड किया जाता है, तो वो सारी चीज़ों को भी बैन किया गया। स्टेट की भी इनिशिएटिव है, कुछ ऐसे राज्य भी है जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे पहले केरल की ही बात करते हैं, तो केरल का यहाँ पे एक स्कीम है जिसे कहा गया है सुचित्व मिशन है जिसके अंदर आप देखो कि फिशर्स मैन को इंगेज किया गया है, ना ही सिर्फ फिशिंग के लिए ही कि वो मछली पकड़े, बट ऑल्सो प्लास्टिक भी पकड़े जो कि या तो उनके फिशिंग नेट में स्टक हो जाता है या फिर वो सी में फ्लोट कर रहा है, तो इनको इस तरीके से वहाँ के फिशरमैन, क्योंकि केरल जो है वहाँ पे कोस्ट भी है, तो उनको इस तरीके का काम दे दिया गया है कि आप ना सिर्फ मछली पकड़े बल्कि जो ओशन के ऊपर जितने भी फ्लोट कर रहे हैं प्लास्टिक उसको भी पकड़े। लास्ट 10 मंथ में जब से ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है तो उनको यहाँ पर मैनेज किया गया है कि वो यहाँ पर 25 टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट को जो है वो रिकवर कर चुके हैं।
अब इसी के साथ कुछ और भी यहाँ पे न्यूज़ है, जैसे आप ये समझिए कि माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक क्या होता है, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स होते क्या हैं। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स एक तरीके के प्लास्टिक होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से वो डिग्रेड हो जाते हैं, या तो वो वाटर में मिक्स हो जाते हैं, या तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में आ जाते हैं, या फिर बायोमास में वो किसी तरीके से डिग्रेड हो जाते, ख़त्म हो जाते। इस तरीके के हम लोग प्लास्टिक को क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक किसी एक अच्छा खासा स्पेसिफिक कंडीशन में ही होता है, यानी कि बहुत सारे फैक्टर्स में भी ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कैसा है, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कितने प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें तो हर एक जगह आपको वैरी होते हुए दिखेगा। तो इसी के ऊपर ये फैक्टर डिपेंड करता है कि कहाँ पे कितना ज़्यादा टेम्परेचर है, किस हिसाब से वहाँ पे आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, किस हिसाब से वहाँ पे आपका डिग्रेड हो रहा है। लेकिन हाँ, ये आपका जो है कम समय में डिग्रेड हो जाता है। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे अल्टरनेटिव भी इसका प्रॉमिसिंग है कि कन्वेंशनल प्लास्टिक को लेकर, जो कि एक राइट कंडीशन है, बट ये सारे कंडीशंस जो है ना हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में नहीं पाए जाते, ना कि ओशन में पाए जाते हैं। ये सारे एनर्जी इंटेंसिव और एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है और साथ ही साथ जो है बहुत महंगे भी होते हैं इसको प्रोड्यूस करना। इवन अगर हम लोग एक अच्छे खासे कंडीशंस में भी देखें तो बायोडिग्रेडेबिलिटी जो है ना वो आपका जो क्रिटिकल इशूज़ है, जैसे कि आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं कि मैरिन एनिमल्स जो है कुछ भी खाते हैं तो अगर प्लास्टिक खा लेते हैं तो उनके फंस जाते हैं गले में, इंटेंजमेंट हो जाता है। तो इस तरीके की जो क्रिटिकल इश्यूज़ है ना उसको बायोडिग्रेडेबल जो प्लास्टिक्स है वो इसका एक अच्छा खासा सॉल्यूशन नहीं है। ये तो हो गई बात बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की, इट मींस कि ये आपका ये जो है आपका डिग्रेड तो हो जाता है, बट इट इज़ नॉट द ऑल्टरनेटिव और इट इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ क्रिटिकल इश्यूज़। माइक्रोप्लास्टिक की बात करें तो जो सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के इन्फ्लुएंस के अंडर में देखें, जैसे विंड है, करंट है, अदर कुछ नेचुरल फैक्टर्स है, तो इसमें जो आपका प्लास्टिक जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और फिर उसको हम लोग माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं, यानी कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं ना वो 5 मिलीमीटर से भी कम होते हैं अगर ये माइक्रोप्लास्टिक है। जब कभी कभी आप नैनोप्लास्टिक भी सुनते होंगे, यानी कि ये 100 नैनोमीटर से भी कम है। तो इतना ज़्यादा छोटा पार्ट जो होता है, जब बड़े प्लास्टिक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, तो उसे हम लोग माइक्रोप्लास्टिक या फिर नैनोप्लास्टिक कहते हैं उनके साइज़ के हिसाब से। तो ये आप देखोगे कि दिस डिस्पर्सेस प्लास्टिक इवन फार्दर एंड डीपर इनटू द सी, मींस इस तरीके के जो आपके माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं ना वो इतने छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और टूट टूट के जो है वो एकदम दूर दूर भी जा सकते हैं और ओशन के डीप में भी यही जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग माइक्रोबीड्स की बात करें तो ये मैन्युफैक्चर्ड होते हैं सॉलिड प्लास्टिक पार्टिकल्स जो कि यहाँ पे 1 मिलीमीटर से कम होते हैं। अब देखिए सबका साइज़ आपको पता होना चाहिए, माइक्रोबीड्स क्या होते हैं 1 मिलीमीटर से कम इनका साइज होता है, और नैनोप्लास्टिक क्या होते हैं तो ये 100 नैनोमीटर से इसकी कम साइज़ होती है, और माइक्रोप्लास्टिक्स क्या होते हैं तो 5 मिलीमीटर से इनकी साइज़ जो है कम होती है। सो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। इट मीन्स कि ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, तो इससे रिलेटेड अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या टॉपिक पे बातें की जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा अभी न्यू गाइडलाइंस लाए गए हैं जिसमें ये देखा जाएगा कि ग्राउंड वाटर की जो पानी है उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। ग्राउंड वाटर यूजर्स देख लेते हैं इंडिया में, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति क्यों इतने सिंसियर हो चुके हैं। आप देखो कि जो हम लोग ग्राउंड वाटर यूज़ कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है पूरे वर्ल्ड में वो हमारे भारत के द्वारा किया जाता है, और हम लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं 253 बिलियन क्यूबिक मीटर पर ईयर। ये अप्रॉक्सीमेटली कितना हो गया, तो परसेंटेज में आप देखो तो ग्लोबल जितना ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हो रहा उसका हम लोग 25% सिर्फ इंडियंस जो है वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। 90% जो एनुअल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है वो इंडिया में यूज़ किया जाता है इरिगेशन एक्टिविटीज़ में। इट मीन्स आप समझ सकते हो कि 90% तक जो है हम लोग ग्राउंड वाटर को यूज़ करते हैं जितने भी खेती बाड़ी के एक्टिविटीज़ होते हैं। वहीं अगर रिमेनिंग 10% आप देखो तो यही 10% पानी है जो कि हम लोग पीने के लिए भी यूज़ करते हैं, हमारे घर में भी और भी जो काम होते हैं, चाहे आपकी किचन में काम हो, वॉशरूम में काम हो, गार्डनिंग में काम हो, इंडस्ट्रीज़ में काम हो, हॉस्पिटल में काम हो, सारी जगह जो पानी की अवेलेबिलिटी होती है वो इसी 10% में होती है। बाकी 90% हम लोग क्या कर रहे हैं, तो खेती में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। साथ ही साथ आप इसमें देखो कि आउट ऑफ टोटल 6,881 जो असेसमेंट यूनिट है, 17% को यहाँ पे कैटेगराइज़ किया गया है कि ओवर एक्सप्लॉइटेड किए जा रहे हैं, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। 5% जो है वो क्रिटिकल हो चुका है, 14% यहाँ पे सेमी क्रिटिकल है, और 63% है जो कि हाँ सेफ है ग्राउंड वाटर। मेजोरिटी आप देखो कि कहाँ पे ओवर एक्सप्लॉइटेड हो रहा है। अब आप समझ सकते हो कि जहाँ पे खेती ज़्यादा होता है
वहीं पे आपका जो है ओवर एक्सप्लॉयटेड भी हो रहा होगा। तो वाजिब सी बात है, ये दिल्ली, हरियाणा और पंजाब वाला रीज़न है, वेस्टर्न यूपी है, राजस्थान है, गुजरात है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना और तमिलनाडु है। तो आप लोग देख लीजिए, जिस भी राज्य के आप लोग हैं, आप लोग के यहाँ ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेड हो रहा है कि नहीं ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, क्योंकि ये एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है। और अगर आप लोग पीसीएस या फिर यूपीएससी के इंटरव्यू में जा रहे हो तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपके एरिया में जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रही है वाटर की, तो इसकी क्या सोल्यूशन है। ओके, तो अब आप समझ गए कि क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं ग्राउंड वाटर की यहाँ पे एक्सट्रैक्शन को लेकर। तो गाइडलाइंस यहाँ पे लाया गया है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन एनओसी इसे कहते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है अब मैंडेटरी हो चुका है न्यू और एग्जिस्टिंग जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनके लिए, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए, प्राइवेट जो वाटर सप्लाई टैंकर है उनके लिए, जो कि यहाँ पे ग्राउंड वाटर को विड्रॉ कर रहे हैं, जो भी ग्राउंड वाटर को विड्रॉ कर रहे हैं उनके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। इट मीन्स कि अगर वो ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट भी कर रहे हैं ना, तो उनको यहाँ पे इस तरीके का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप आराम से पानी निकाल सकते हो। प्रोजेक्ट जिसमें कि आप देखो 500 मीटर तक है, उनको डिमार्केट किया गया है कि वेटलैंड एरिया से, वो मैंडेटरी है कि वो अपने डिटेल प्रपोजल के बारे में वो यहाँ पे सबमिट करें कि उनको कितना यहाँ पे ग्राउंड वाटर एब्स्ट्रैक्शन करना है, जिससे कि यहाँ पे जो हमारा वेटलैंड एरिया है वो कहीं से भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ इस तरीके का डिजिटल वाटर फ्लो मीटर को इंस्टॉल करना मैंडेटरी हो चुका है कि कितना अब जो है हमारा ज़मीन के नीचे कितनी ग्राउंड वाटर की टेबल रह चुकी है और किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, तो उसका जो है इस डिजिटल वाटर मीटर में सारी चीज़ें दिखाया जाए। साथ ही डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को भी यहाँ पे ऑथराइज़ किया गया है कि वो इन्फोर्समेंट मेजर्स लेकर आए, इट मींस कि वो यहाँ पे चीज़ों को लेकर आए जिससे कि ये पता चले कि हाँ जब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पानी की मात्रा कितनी है, ग्राउंड वाटर की बातें कर रही हूँ, कि वहाँ पे ग्राउंड वाटर का लेवल कितना है, यहाँ पे यूज़ करना सही रहेगा कि नहीं, एक्सट्रैक्शन करना सही रहेगा कि नहीं, तो ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास रखा गया है। जो इनके रूल्स के साथ कॉम्प्लाइंस नहीं करेंगे, रूल्स के साथ नहीं चलेंगे, उनके ऊपर पेनल्टी लगेगा 50,000 से लेकर 10 लाख तक। तो ये भी चीज़ें याद रखनी है। तो ये तो कुछ रूल्स लाए गए हैं। इसके अलावा अब हम लोग देखते हैं कि कैटेगरी कौन कौन है, यानी कि कौन कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिसको नो ऑब्जेक्शन जो सर्टिफिकेट है वो लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देखो कि पहले इंडिविजुअल डोमेस्टिक कंज्यूमर, इट मींस कि जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या अर्बन एरिया में रहते हैं, अगर हम लोग पीने के पानी के लिए या फिर अपने घर के इस्तेमाल करने के लिए अगर पानी को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ग्राउंड वाटर का, तो हमें एनओसी लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप देखते हो कि बहुत सारे एरिया में वेल यूज़ किया जाता है और जो हैंडपाइप होता है वो यूज़ किया जाता है, तो इन सारी चीज़ों से जो है हम लोग ग्राउंड वाटर ही एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इसमें किसी को भी ज़रूरत नहीं है कि एनओसी ले। सेकंड है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम्स जितने भी है, क्योंकि आप देखते हो कि 3% ही वाटर है हमारा ग्राउंड लेवल जो कि इस तरीके से ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी में यूज़ होता है, तो बहुत सारे ऐसे घर है, ऐसे एरिया है हमारे देश में जहाँ पर पानी नहीं पहुँचता है, लोगों के पास इवन सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी अवेलेबल नहीं होती है, तो उन लोगों के लिए इस तरीके का स्कीम्स लाया जाता है, तो वो सारे स्कीम्स को इससे बाहर रखा गया कि उनको यहाँ पर एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। थर्ड है आर्म्ड फोर्स एस्टैब्लिश्ड और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जो एस्टैब्लिशमेंट होती है कहीं पे भी, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो या अर्बन क्षेत्र में हो, उनको भी ये जरूरत नहीं है कि एनओसी सर्टिफिकेट ले। साथ ही एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, अब आप देखते हो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को बाहर रखा गया, तो भाई लूट लूट के पानी जो यहाँ पे खर्च हो रहा है वो हमारे खेती में ही खर्च हो रही है, तो इसको भी बाहर रख दिया गया है। इट मीन्स कि आप समझ सकते हो कि जो मेन चीज़ें हैं जिस पे कैप लगाने की ज़रूरत थी वही चीज़ें यहाँ पे बाहर है कि आपको अब यहाँ पे ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस है जो कि ग्राउंड वाटर को जो है इस्तेमाल करते हैं लेकिन 10 क्यूबिक मीटर पर डे से कम इस्तेमाल करते हैं, तो ज़रूरत नहीं है कि उनको वो भी ये सर्टिफिकेट ले। तो ये जो कैटेगरीज है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी एक्सेप्शंस होते हैं ना किसी भी टॉपिक के, उससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा होती है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब इसी से रिलेटेड कुछ पानी की बात कर रहे हैं, तो कुछ रिलेटेड बॉडीज़, कुछ रिलेटेड न्यूज़ इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हमारे यहाँ सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है जो कि ग्राउंड वाटर के लेवल को टैकल करते हैं। इन ये जो अथॉरिटी बनाया गया है कोई ना कोई कानून के तहत ही बनाया गया होगा, ये है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसको भूलिएगा मत, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में जो रक्षा करने के लिए, कंजर्वेशन करने के लिए जो भी चीज़ें होती है, चाहे वो हमारा पानी हो, हवा हो, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग टैकल कहाँ से करते हैं, तो इसी कानून से करते हैं जो कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, इसी के तहत ये अथॉरिटी बनाई गई है जो कि यहाँ पे देखते हैं कि हमारे कंट्री में ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, किस तरीके से डेवलपमेंट को कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है। सेकंड, हमारे यहाँ सेंट्रल वाटर कमीशन भी है। अब ये हमारे यहाँ जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उसकी एक अटैच्ड ऑफिस है ये कमीशन,
और ये कमीशन जो है यहाँ पे इनका जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फर्दर देखते हैं कि वाटर रिसोर्सेज का यूटिलाइज़ कैसे हो रहा है। वाटर रिसोर्सेज कहने का मतलब है कि हमारा ग्राउंड वाटर तो है ही, उसके अलावा आप सरफेस वाटर भी देखते हो, ओशन देखते हो, वेटलैंड देखते हो, लेक देखते हो, सी देखते हो, पॉन्ड्स देखते हो, सो बहुत सारे वाटर रिसोर्सेज हैं यहाँ पे। तो सारे वाटर रिसोर्सेज में कैसे पानी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, उसको कंजर्व कैसे कर रहे हैं, उसको फर्दर कंट्रोल करने के लिए कोई स्कीम्स वगैरह है, तो उन सारी चीज़ों को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, तो ये पूरा काम कौन देखता है, ये सेंट्रल वाटर कमीशन देखते हैं। यहाँ पे अगर आप स्कीम्स देखोगे तो मेनली ये रिलेटेड होते हैं फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, जो सिंचाई वगैरह होता है उसमें इरीगेशन के लिए, नेविगेशन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करने के लिए, वाटर पावर डेवलपमेंट करने के लिए, और ऑल्टरनेटिव को ग्रो करने के लिए जो कि पैडी है। पैडी में आप जानते हो कि पानी की बहुत आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा उसमें पानी के खर्चे भी होते हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेड भी होते हैं, तो उसका बेटर ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने के लिए भी ये कमीशन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। तो ये तो दो बॉडी है हमारे यहाँ पानी को यहाँ पर ठीक ठाक मैनेज करने के लिए। कुछ रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। इंडिया वाटर रिसोर्सेज इन्फॉर्मेशन सिस्टम अगर देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा एक न्यू वर्जन ऑफ इंडिया का जो ये वाटर रिसोर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम है इसको लाया गया। तो अब ये कुछ न्यू वर्जन लाया गया तो उसके बारे में देख लेते हैं। एक्चुअली ये वेब पोर्टल है। अगेन आप देखो कि हर एक सरकार और हर एक डिपार्टमेंट अपना एक वेब पोर्टल लेकर आ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ डिजिटाइजेशन को फोकस किया जा रहा है कि आप सारी चीज़ें जो है ना ऑनलाइन हो जाए, तो ये ज़्यादा बेटर भी होता है। इसमें आपका ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सारी चीज़ें निकल कर आती है, और ज़रूरत नहीं होता है लोगों को कि आप आपस में फ़ेस टू फेस ही कॉन्टैक्ट करो तभी काम हो पाएगा, ये बहुत आराम से आपका काम हो सकता है। तो वेब पोर्टल लाया जा रहा है जो कि एक ऑनलाइन आपका वेब पोर्टल होता है, जिसमें आपको अगर उस वाटर के बारे में कुछ भी जानना है तो इस पोर्टल के बारे में जाकर आपको वाटर रिसोर्स की इन्फॉर्मेशन सब मिलेगी। तो इस पोर्टल में जाना है, यहाँ पे लॉगिन करना है आपको पासवर्ड और अपनी यूज़र आईडी देकर, उसके बाद आपको यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड, चाहे रेनफॉल को लेकर कि रेनफॉल में कितने वाटर को कंजर्व किया गया, वाटर लेवल कितना है, रिवर से कितना डिस्चार्ज हो रहा है, वाटर बॉडीज़ कितनी है, ग्राउंड वाटर लेवल कितना रह चुका है, रिजर्वायर स्टोरेज कितना है, कितना हमारे यहाँ या फिर हर एक जगह आप अपने लोकल एरिया का भी समझ सकते हो कि वहाँ पर कितना पानी को स्टोर करके रखा जा रहा है, इवेपोट्रांसपिरेशन कितना हो रहा है, इट मीन्स कि हमारे यहाँ जो पानी अवेलेबल है, मान लीजिए कि एक छोटी सी लेक है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, धूप बहुत ज़्यादा है, तो जानते हो कि यहाँ पे आपका जो है वो भाप बन के ऊपर उड़ जाता है, वेपोराइजेशन होता है, फिर क्लाउड फॉर्मेशन होता है, फिर उसके बाद यही चीज़ें होती है कि रेनफॉल होता है, तो इस पूरा प्रोसेस आपका साइकिल चलते रहता है। तो एक्चुअली एक वेब पोर्टल बना दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा, जहाँ पे आपको वाटर से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएंगे। ये जो इंडिया आपका वाटर रिसोर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, 2019 में इसको लॉन्च किया गया था नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के तहत, तो ये चीज़ें भी याद रखनी है। अब यहाँ पे हमारा नेशनल वाटर इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर्स है जो कि इसको मेंटेन करेगा इस पोर्टल को, और टाइम टू टाइम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को अपडेट भी करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज। सो ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। सेंटर के द्वारा बहुत सारे जो ऑप्शन है ना कंट्री की ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज पॉलिसी को, उसको लेकर वो एग्जामिन कर रहे हैं और एक अच्छा खासा बैलेंस लेकर आना चाह रहे हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए और इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए। अब देखिए, हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना ये आज के डेट में एकदम प्रायोरिटी मोस्ट बन चुका है, लेकिन इंडस्ट्री को भी तो डेवलप करना है ना। हम लोग किसी भी तरीके से इंडस्ट्री की जो नीड है उसको तो इग्नोर नहीं कर सकते, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो वही चीज़ें हैं कि कैसे एक बेटर तरीके से हम लोग बैलेंस बनाकर लेकर आए। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया है ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज, यानी कि एक वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसमें कि रीसर्कुलेट किया जाएगा सारे वाटर को, और फिर उसको जो है ना ज़ीरो लिक्विड वेस्ट के साथ उसको डिस्चार्ज किया जाएगा। ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज कहने का मतलब है कि ज़ीरो वेस्ट। जैसे आप देखते हो कि इंडस्ट्री में जितने भी पानी यूज़ होते हैं, फिर उसके बाद इंडस्ट्री का पानी जब डिस्चार्ज होता है तो वो बहुत गंदे होते हैं, ठीक है, इतने गंदे होते हैं कि समटाइम्स उसको रिवर ओशन में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, तो वहाँ भी आपका जो अगल बगल का इन्वायरमेंट है वो भी गंदा हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है। इसलिए आज के डेट में आप देखते हो कि जितने यमुना गंगा सारे रिवर्स जो है ना, उसमें आपको अमोनिया की कंसंट्रेशन, क्लोरीन की कंसंट्रेशन, सब कुछ बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि गंदे पानी वो डंप कर देते हैं। तो कितना अच्छा रहेगा कि एक ऐसी भी इक्विपमेंट या फिर टेक्नोलॉजी लगा देना चाहिए जिससे कि जो इंडस्ट्री के गंदे पानी है ना वो साफ़ होकर छनकर जो है बाहर आए। तो साफ़ होकर छनकर वो बाहर आएंगे तो ऑब्वियसली कि उनको यूज़ भी किया जाएगा तो वो बेटर होगा। तो यही इसी प्रोसेस को कहा जा रहा है ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज। एक ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज जो सिस्टम है ना, इसमें आप देखो कि एडवांस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज यहाँ पे इंक्लूड है वाटर को ट्रीट करने के लिए।
और वो भी एक सर्टेन लेवल तक, जो कि उसी कंपनी के अंदर उस पानी को फिर से रीयूज़ किया जाए। तो ऐसी एक टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि बाहर पानी फेंकने की भी ज़रूरत नहीं है, या फिर और भी पानी जो है ग्राउंड लेवल से लेने की ज़रूरत नहीं है, या फिर वाटर रिसोर्सेज से लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना पानी जो इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, वो जब गंदा आपका बाहर आ रहा है, तो उसी को रीट्रीट करके वापस से जो है उसी को इस्तेमाल किया जाए, तो कितना अच्छा होगा। इससे हम लोग पानी को बेटर तरीके से कंजर्व कर पाएंगे। अब यहाँ पर यही प्रोसेस बताया गया है कि ये देखिए, ये गंदा पानी है, ये रीट्रीटमेंट हो रहा है, ये आरओ है। जैसे आपके भी घर में आरओ लगा है, रिवर्स ऑस्मोसिस, उसके तहत क्या होता है कि जो भी गंदे पानी होते हैं वो छन के जो है एकदम आरओ ब्रोइंग सही पानी यहाँ पे निकलता है। फिर ब्रेन कंसंट्रेशन है, ब्रेन क्रिस्टलाइजेशन है, और उससे क्या हो गया कि सॉलिड डिस्पोजल या फिर रिकवरी हो गया, या फिर यहाँ से इवोपरेशन भी हो जाता है। तो इस तरीके से ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसको कि लगाना चाहिए। अब यहाँ पर जब आ जाता है आपका ब्रेन क्रिस्टलाइजेशन, तो फिर ये वाटर रीयूज़ के लिए चला भी जाता है। तो यही चीज़ें हैं यहाँ पर कही जा रही है। अब आप देख सकते हो कि ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज का सिस्टम है, इसके क्या क्या कंपोनेंट है। तो अगर हम लोग कंपोनेंट देखें, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि जो वेस्ट वाटर है वो फ़िल्टर किया जाता है मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, जैसे कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वगैरह हो गया। फिर जो अलग पानी है उसको रीयूज़ कर सकते हैं, और कुछ कॉन्सेंट्रेट भी जो कि फर्दर फिर उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्री ट्रीटमेंट हो गया। फिर उसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस आता है, यानी कि यहाँ पे आप लोग का जो आरओ है उस तरीके से काम होता है कि जो भी अनफिल्टर्ड वाटर में जो भी कंटामिनेटेड है, जो भी यहाँ पे आपका जो है गंदे पार्टिकल्स कुछ भी अगर है, तो उस चीज़ को यहाँ पे आपका क्लीन किया जाता है। फिर आता है इवोपोरेटर या फिर क्रिस्टलाइजर। तो यहाँ पे जो भी कंसंट्रेट है वो यहाँ पे ब्रीन कंसंट्रेटर के अंदर इंटर करते हैं, जो कि यहाँ पे इवोपोरेटर भी होते हैं। यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन ऑफ हीट और वेपर कंप्रेशर होता है, जिसके थ्रू जो पानी है ना वो इवोपोरेट करके ऊपर भी चला जाता है। तो ये तीन यहाँ पे आप कॉम्पोनेंट देखोगे जो कि ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम के लिए है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वाटर कंजर्वेशन। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सॉलिड वेस्ट के बारे में। तो सॉलिड वेस्ट जितने भी कचड़े हैं ना, उसको किस तरीके से आप मैनेज करना है, और किस किस तरीके के हमारे दुनिया में कचड़े हैं, इवन हमारे देश में, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट पोल्यूशन देख लिए, प्लास्टिक पोल्यूशन, अब प्लास्टिक वेस्ट देखते हैं। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा एक ड्राफ्ट रिलीज़ किया गया है, जिसमें कि उनके द्वारा बताया गया है यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क होना चाहिए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी किसके तहत, तो जो रूल्स लाया गया था प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। अब आपको याद होगा कि ये जब रूल्स आया था तो उसी के तहत 2017 में यूपीएससी के द्वारा प्रीलिम्स में पूछ लिया गया था कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग क्या है, ठीक है, या फिर ये आपको किस कानून में देखने को मिल रहा है। तो एक्चुअली एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की यहाँ पे मीनिंग जो है कि जो यहाँ पे प्रोड्यूसर है, मान लीजिए कि जो प्लास्टिक यहाँ पे मैन्युफैक्चर करके मार्केट तक सप्लाई कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर है, अब उन्हीं का होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वापस से वो सारे प्लास्टिक को वो अपने पास ले ले। जैसे कि आज के डेट में आप कोई भी फ़ोन अगर यूज़ कर रहे हो, आईफोन यूज़ कर रहे हो कोई भी, तो जो आईफोन के मैन्युफैक्चरर है वो जितना दुकान में बेच रहे हैं, दुकान के थ्रू जो है कस्टमर तक जा रहा है, तो फिर उन्हीं का अधिकार है कि वो आईफोन जब यूज़ करना लोग अगर कुछ ख़राब हो जाता है और लोग सोचते हैं कि इसको रिप्लेस कर देते हैं, न्यू फ़ोन ले लेते, तो ये बेटर होगा कितना अच्छा कि वही फ़ोन को वापस से जो है जहाँ वो खरीदे थे वहाँ पर जाकर उसको बेच दें, या फिर कोई भी आईफोन स्टोर में जाकर उसको बेच दें। तो इससे क्या होगा कि कचड़े जो है ना वो हमारा एवं ही इधर उधर नहीं फैलेगा, ये जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है वही, उसी के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने कचड़े को वो वापस से कलेक्ट करे। तो इसको कहा जाता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क क्या लाने की बात की जा रही है। एक्चुअली ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये एक स्ट्रैटेजी है जो कि यूज़ किए यहाँ पे इसको यूज़ किया जा रहा है कि कैसे हम लोग कचड़े को डिस्पोज करें इको फ्रेंडली, जैसे कि हमारे जो है इन्वायरमेंट में कहीं से भी किसी को प्रॉब्लम ना हो, साथ ही इसको रीयूज़ कर सके, रिसाइकिलिंग कर सके। अब देखिए आप जब आईफोन का जो आपके पास सेलफोन है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से ख़राब हो गया, सारे उसकी जो भी पार्ट्स है वो ख़राब हो जाते हैं, कुछ पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं, कुछ उसकी मैकेनिज्म बिगड़ जाती है जो कि फ़ोन अच्छे से काम नहीं करता, और हम लोग फ्रिक्वेंटली सोचते हैं कि चलो नया फ़ोन ले लेते हैं और उसको घर पे ऐसे ही पड़े रहने देते हैं या फिर डस्टबिन में बाहर कहीं फेंक देते हैं, ऐसा ही होता है। लेकिन कितना अच्छा होगा कि अगर उसको आईफोन की कंपनी में दे दें तो उसके जो और भी पार्ट्स है जो कि अच्छे है उसको निकाल के हम वो लोग जो है न्यू फ़ोन में लगा सकते हैं, उसको फिर से रीयूज़ कर सकते हैं रिफ्रेश करके। तो ये काम भी किया जाएगा जिससे कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव होता है, हम लोग चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स, हम लोग हर एक चीज़ जो है ना आप देखोगे कि चाइना से बहुत ज़्यादा तक हद तक हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंसी भी कम होगा, हम लोग जो अपने यहाँ मैन्युफैक्चर करने के बारे में सोचे हैं तो उसकी भी जो बर्डन है वो कम हो पाएगी। तो इस तरीके से इस प्रोग्राम को लाया गया है इतनी सारी चीज़ों को सोच कर। तो ये बात रही। अब इसके अलावा एक प्लास्टिक क्रेडिट मॉडल लाया गया है। तो इसमें क्या है कि जो प्रोड्यूसर है ना
उनको ज़रूरत नहीं है रिसाइकिल करने का अपने खुद के पैकेजिंग को, बट वो इंश्योर करें कि इसी तरीके का जो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ पैकेजिंग जो वेस्ट है ना उसको रिकवर कर सके और रिसाइकिल कर सके। इट मीन्स कि जो प्रोड्यूसर है यानी कि प्लास्टिक क्रेडिट मॉडल है, ऐसा नहीं है कि जो प्लास्टिक को प्रोड्यूस कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर ये होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब उसी को वो रिसाइकिल करें। कोई भी जो है यहाँ पे आपका इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ जो पैकेजिंग वेस्ट हो रहा है, जितना कचरा निकल रहा है उसको जो है ना अब रिकवर किया जा सकता है और रिसाइकिल किया जा सकता है। प्रोड्यूसर्स और जो प्रोसेसर होते हैं या फिर एक्सपोर्टर होते हैं वो यहाँ पे प्लास्टिक क्रेडिट को एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे आप जस्ट कार्बन क्रेडिट देखो कि एक कैप लगाया गया है, उससे ज़्यादा जो कार्बन अगर एमिशन होता है तो क्रेडिट के फॉर्म में उसको बेचा सेल परचेज भी हो सकता है। तो यही प्लास्टिक क्रेडिट यहाँ पे लाने की बात की जा रही है कि इससे क्या होता है ना कि प्लास्टिक क्रेडिट को एक्सचेंज किया जा सकता है फिनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए एट ए प्राइस या फिर कोई नेगोशिएशन टर्म में भी हो सकता है। तो ये जो प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात की जा रही है, इसके अंदर क्या होता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि जो भी प्रोड्यूसर के बिहाफ से जो कचरे निकल कर आते उसको यहाँ पे ये मैनेज करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करती है। म्यूनिसिपल बॉडीज़ है जो कि यहाँ पे रजिस्टर्ड करते हैं प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर यहाँ पे वेस्ट कलेक्टर जो होते हैं इनको ये म्यूनिसिपल बॉडीज़ है जो कि रजिस्टर करती है। यहाँ पे एक नेशनल जो है प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, एडवाइजरी कमेटी है जो कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को गवर्न करे हमारे कंट्री में कि किस तरीके से जो प्लास्टिक से निकलने वाला जो कचरा बन रहा है उसको कैसे यहाँ पे मैनेज करना है। साथ ही फी बेस्ड मैकेनिज्म भी यहाँ पे लाया गया है। इसके अंदर क्या है ना कि जो प्रोड्यूसर है ना वो यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे इस कॉर्पस फंड के तहत, और साथ ही साथ यहाँ पे ये सेंट्रल लेवल पे होगा और हर एक प्रोड्यूसर जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे जो कि प्लास्टिक वेस्ट जितना जनरेट हो रहा है उसी के हिसाब से। तो यहाँ पे आप देखो कि स्क्रू अकाउंट बनाया जाएगा जिसको यहाँ पे स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा मैनेज किया जाएगा। स्क्रू अकाउंट क्या होता है? स्क्रू अकाउंट होता है जहाँ पे पैसे आपका जो है सेफ रखने की बात की जाती है। कैसा अकाउंट है कि मान लीजिए कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए 100% फंड की ज़रूरत है तो एटलीस्ट 25% फंड जो है यहाँ पे रख देना चाहिए, वो भी एज अ सिक्योरिटी के फॉर्म में कि इतने पैसे इस तरीके की चीज़ों के लिए लगाए जा रही है। तो ये कॉर्पस फंड में जो है एक आपका स्क्रू अकाउंट भी ओपन किया जाएगा जो कि 25% या फिर आप ये एग्जैक्ट रेशियो तो नहीं है बट इसी तरीके का आपका रखा जाता है जिसको स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा यहाँ पे मैनेज किया जाएगा। इट मीन्स कि एक वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन है, अगर आपको लगता है कि पे करना चाहिए तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। जहां पे सारे लोग मेंबर भी होते हैं, प्राइवेट होते हैं, अदर स्टेक होल्डर्स है जो कि इसके मेंबर भी हो सकते हैं। साथ ही अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे पेनल्टी लगाने की भी प्रोविज़न रखी गई है कि जो भी टारगेट यहाँ पे दिया गया है कलेक्शन का, कचरे को कलेक्ट करने का, अगर वो अपने टारगेट को पूरा नहीं करते हैं तो उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। जो इंटायर मैकेनिज्म की जो मॉनिटरिंग है ना वो यहाँ पे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रखा गया है कि ये जो पूरा यहाँ पे कचरे का जो रायता फैला हुआ है इसको कौन यहाँ पे समेटेंगे, तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अल्टीमेटली इन्हीं का है हक, इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सारा काम वो जो है अपने अंडर में रह के बेहतर तरीके से करवाएंगे। अब हमारे यहाँ जो ये रूल्स आया था ये आपको अमेंड किया गया था 2018 में भी, तो इसके बारे में देख लीजिए क्योंकि बहुत अच्छी बातें यहाँ पे कही गई थी और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले तो यहाँ पे मिनिमम थिकनेस कहा गया था कि जो प्लास्टिक की कैरी बैग हम लोग यूज़ करते हैं ना हर एक जगह, तो उसकी जो मिनिमम थिकनेस है वो 50 माइक्रोन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम लोग लोकल बॉडीज़ की देखें तो जो ग्रामीण एरिया में है उनको यहाँ पे इस रूल्स के अंदर लाना है जब तक यहाँ पे आपका प्लास्टिक जो है ना रूरल एरिया में अगर पहुँच चुका है, यानी कि इस तरीके का प्लास्टिक चीज़ें जो है अगर ग्रामीण क्षेत्र में यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे इस रूल्स को भी एप्लीकेबल कराना है। अब वहाँ पे ग्राम सभा होंगे जिनको इस तरीके की इस रूल्स को इम्प्लीमेंट करने का होल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। सेकेंड है कि यहाँ पे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि प्रोड्यूसर और जो यहाँ पे ब्रांड ओनर है उनकी ये रिस्पॉन्सिबल है कि वो अपने कचरे को कलेक्ट करें जितना वो जनरेट किए। थर्ड है कि प्रोड्यूसर जो है उनको भी एक रिकॉर्ड रखना है अपने वेंडर का कि किनके पास वो अपना रॉ मटेरियल सप्लाई किए हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इससे क्या होगा कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इस तरीके के मटेरियल्स की मैन्युफैक्चरिंग जो है, इस तरीके के प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग है ना अनऑर्गेनाइज्ड में, उसको रोका जा सकता है। वही चीज़ मैं बताई कि कितना अच्छा होगा, उसके पार्ट्स को फिर से रीयूज़ कर लिया जाएगा तो हमारा दो काम, एक तीर से दो निशान हो जाएगा। एक तो हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बंद कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, बंद नहीं, प्रेशर कम हो जाएगा ना। साथ ही चीज़ें हैं कि हम लोग को इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और नेक्स्ट यहाँ पे रखा गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेस्ट जनरेटर, जैसे कि हम जैसे लोग हैं जो कि हम लोग कचरा इतना ज़्यादा फैला रहे हैं तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम लोग को जो कचरा हम लोग फैलाते हैं तो कम से कम उसको अलग अलग करके रखें, यानी कि सॉलिड वेस्ट अलग रखें और जो लिक्विड वेस्ट है, वेट वेस्ट है, उसको हम लोग अलग रखें। कम से कम कृपया करके ये ध्यान तो हम लोग दे ही सकते हैं, तो ये हमारी काम है यहाँ पे। साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रखा गया है जो स्ट्रीट वेंडर्स और जो रिटेलर्स हैं तो उनको ऐसा कहा गया है कि वो इस तरीके की जो कैरी बैग है वो यहाँ पे
नहीं रखेंगे या तो उनके ऊपर यहाँ पे फ़ाइन इम्पोज किया जाएगा। जैसे आप लोग भी देख रहे थे कि एक समय था कि जब वो लोग नहीं देते थे, फ़ाइन इम्पोज हो रहा था उनके ऊपर, तो सिर्फ रजिस्टर्ड जो शॉपकीपर्स हैं ना वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ी को पे करके जो है लोकल बॉडीज़ को पे करके उनको यहाँ पे अलाउ किया जाएगा कि प्लास्टिक कैरी बैग जो है वो चार्ज के साथ वो दे सकते, फ्री में नहीं। जैसे आप सामान खरीदो, सब्जियाँ खरीदो, आपको फ्री में मिलता है, तो फ्री में नहीं। अब मॉल में आप जाते हो तो कुछ भी खरीदते हो तो आपको 1-2 रुपया पे करना पड़ता है कैरी बैग लेने के लिए, तो उसी तरीके का होगा कि आपको पे करना होगा कैरी बैग लेने के लिए तभी आपको मिलेगा, अदरवाइज़ फ्री में ये अवेलेबल नहीं कराया जाएगा। साथ ही यहाँ पे है कि जो प्लास्टिक रोड कंस्ट्रक्शन के लिए और एनर्जी रिकवरिंग के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए कि जितनी भी कचड़े हमारे यहाँ जनरेट हो रहा है, आप देखो ना चाइना में, जापान में, वहाँ कितने अच्छे तरीके से इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है कि जो भी उनके यहाँ प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहा है ना उसको वो लोग रोड बना दे रहे हैं। अब बताइए रोड बना दे रहे हैं तो कितने अच्छे तरीके से ये कचड़ों का जो है समाधान है, एक बेटर सॉल्यूशन है। तो इसको हमारे यहाँ प्रमोट करना चाहिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करने की ज़रूरत है। साथ ही एक सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम होना चाहिए जिसमें कि जो प्रोड्यूसर है, इम्पोर्टर है और उस प्रोडक्ट के जो ओनर है ना उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। साथ ही जो मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक्स है उसका फेज आउट करना है, जो कि नॉन रिसाइकेबल होते हैं, नॉन एनर्जी रिकवरेबल होते हैं और इसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज़ भी नहीं है। मल्टी लेयर प्लास्टिक्स जो है ना उसको एकदम से हमें हटाना है, उसका यूज़ को तो बैन भी करना चाहिए क्योंकि उसको हम लोग रिकवर ही नहीं कर सकते, ना ही उसको रिसाइकिल कर सकते। एक बार यूज़ कर लिए उसके बाद हम लोग मल्टी यूज़ करके भी उसको फेंकते भी है ना, तो उससे क्या होता है कि फिर उसका जो है कोई काम नहीं रहता, वो एकदम से कचरा कचरा फैल जाता है। तो वैसे चीज़ों को यहाँ पे फेस आउट करने की बात की जा रही है इस कानून के तहत, ठीक है? तो ये कानून की जितनी भी यहाँ पे प्रोविजन्स है उसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं जो कि है बायोमेडिकल वेस्ट, यानी कि जो हॉस्पिटल से कचरे निकल रहे हैं और वो भी COVID-19 के टाइम में, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जिनके द्वारा एक गाइडलाइन रिलीज़ की गई है कि कैसे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए जो भी COVID-19 के टाइम पे अराइज़ हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। तो गाइडलाइंस यहाँ पे इशू किया गया है जो कि है गाइडलाइन फॉर हैंडलिंग ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट डायग्नोस क्वारंटीन ऑफ COVID-19 पेशेंट। तो ये सब इशू किया गया है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, जो ऑलरेडी हमारा 2016 का एक कानून था उसी के बेसिस पे इस चीज़ को लाया गया है। ये कानून जो है सारे स्टेक होल्डर्स के ऊपर एप्लीकेबल होंगे, जो भी यहाँ पे आइसोलेशन वार्ड में रह रहे हैं, अगर क्वारंटीन सेंटर में रह रहे हैं, या फिर सैंपल कलेक्शन सेंटर में है, कोई लैबोरेटरीज़ में है, अर्बन लोकल बॉडीज़ में है, या फिर कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट और डिस्पोजल फैसिलिटीज में है, तो उन सब के ऊपर ये कानून जो है एप्लीकेबल होगा। अब समझिए कि बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है। तो इसमें ह्यूमन और जो एनिमल एनाटॉमिकल जो वेस्टेज होते हैं, साथ ही ट्रीटमेंट अपरेटस, जैसे कि कोई भी अगर पेशेंट है तो उनको निडल, सिरिंज और अदर जो मटेरियल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें जो हेल्थ केयर फैसिलिटी में यूज़ किया जाता है या फिर किसी को ट्रीटमेंट करने के लिए या फिर कहीं पे भी रिसर्च करने के लिए भी इवन यूज़ किया जा रहा है, तो वो सब आपका कैटेगराइज होता है बायोमेडिकल वेस्ट में। ये एक कचरा है जो कि यहाँ पे आपका जनरेट होता है जब किसी भी यहाँ पे लोगों को, मींस कोई भी पेशेंट को अगर डायग्नोस किया जा रहा है, ट्रीट किया जा रहा है, या फिर यहाँ पे नर्सिंग होम है, इम्यूनाइजेशन इन हॉस्पिटल है, पैथोलॉजिकल अगर लैब है, या फिर ब्लड बैंक भी है, तो उन सब में यहाँ पे जो जनरेट होता है उसे हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। की गाइडलाइन क्या क्या रखा गया है पहले इसको समझिए। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ एंड सेग्रेशन ऑफ वेस्टेज, यानी कि जो कचरे है उसको कैसे कलेक्ट करना है, उसको कैसे अलग रखना है। तो एक डेडिकेटेड ट्रॉली और कलेक्शन बीन्स लाया गया था COVID-19 में, जैसे कि आप देखिए देखिए हर एक बेड के सामने जो भी आइसोलेशन वार्ड में है या फिर हॉस्पिटल में है, तो जितने भी मेडिकल चल रहे थे, जो कि सारे COVID-19 की जितनी भी मेडिकल बायोमेडिकल वेस्टेज थे वो उसको पर्टिकुलरली उस डस्टबिन से कलेक्ट कर रहे थे। तो एक डेडिकेटेड ट्रॉली या फिर कलेक्शन बीन रखा गया था, और साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पे डिस्प्यूट डेडिकेटेड सैनिटेशन वर्कर्स भी थे, जो कि सेपरेटली वो बायोमेडिकल वेस्ट को और जितने भी जनरल सॉलिड वेस्ट थे उनको वो यहाँ पे अलग अलग कर रहे थे, और ये सारे जो कचड़े हैं उसको कलेक्ट किया जा रहा था, फिर ट्रांसफर्ड किया जा रहा था टाइमली और टेम्प्ररी वेस्ट स्टोरेज एरिया में। तो एक एरिया भी बनाया गया था जहाँ पे आप देखो PPE किट हो गया, या फिर आपका जो हैंड ग्लव्स है, और फिर उसके बाद आपका जो मास्क वगैरह है, तो सारी चीज़ें भी यहीं पर इंक्लूड थी।
सेकंड है कि ट्रांसपोर्टेशन और कैसे जो है इस कचरे को डिस्पोज करना है। तो जो कोविड 19 का कचरा था ना वो यहाँ पे कलेक्ट किया जा रहा था और एक अलग से व्हीकल इसके लिए आपका अलॉट हुआ था, उस व्हीकल में इसको ले जाया जाता था और एक प्रॉपर जगह पर इसको डिस्पोज भी किया जाता था, ठीक है। साथ ही आप देखो कि यहाँ पर इंसिनरेटेड या फिर ऑटोक्लेव्ड हो गया, स्टेरलाइज्ड हो गई या फिर यहाँ पर जलाया जाता था जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस हो, तो ये सारे यहाँ पर काम किए जाते थे जिससे कि यहाँ पर अच्छे तरीके से डिस्पोज हो जाए। क्वांटिफिकेशन या फिर ट्रैकिंग की बात करें जो कोविड 19 का कचरा है उसके मूवमेंट के लिए, तो ये ज़रूरी था, ये भी देखा जा रहा था क्वारंटीन सेंटर्स के द्वारा और थ्रू ये जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ना, तो मेडिकल वेस्ट ट्रैकिंग मोबाइल एप्लीकेशन भी था जिसको यहाँ पे कोविड 19 BWM कहा जा रहा था, ठीक है। इट मीन्स कि ये देख रहे थे कि जो व्हीकल आ रही है वो कचरे उठा रहे हैं हॉस्पिटल से, सारे जगह से, क्वारंटीन सेंटर्स वगैरह से, तो वो कहाँ कहाँ जाकर कचरे को फेंक रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि कहीं भी जाकर डंप कर दे रहे हैं या फिर कहीं पर जो नॉर्मल कचरे फेंके जाते हैं वहीं पर वो फेंक दे रहे हैं, उसको सही तरीके से डिस्पोज नहीं करे, तो वैसे भी इतनी लापरवाही नहीं बरती गई थी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक ट्रैकर के थ्रू उनको ट्रैक भी किया जा रहा था। अब यहाँ पे जो नोडल अथॉरिटी थे उनका क्या रोल था, तो जो भी डेजिग्नेटेड ट्रेंड या नोडल ऑफिसर्स थे ना जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेज कर रहे थे हॉस्पिटल में, तो वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल थे कि यहाँ पे कैसे वेस्ट हैंडलर्स को ट्रेनिंग देनी है। इट मीन्स कि ये पहली बार ऐसी महामारी आई है, पैंडेमिक आई है, तो लोगों को इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इसको हैंडल करना है, तो बेसिकली पहले सबको ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग देकर बताया गया कि किस तरीके से ये सारे जो कचरे हैं उसको डिस्पोजल करना है, बेटर तरीके से इसको हैंडल कैसे करना है। ओके, अब यहाँ पे जो ये रूल्स है इसके बारे में भी समझ आइए, ये रूल्स तो इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मे बी क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा। तो सबसे पहले अगर इसमें देखें तो प्री ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट है, जो भी यहाँ पे लेबोरेटरी से या फिर माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट हो गया या फिर ब्लड सैंपल से या फिर ब्लड बैग से जो भी चीज़ें, जो भी कचरे यहाँ से निकल रहे थे उसको किस तरीके से ट्रीट करना है, तो प्री ट्रीटेड भी यहाँ पे किया जा रहा था। सबसे पहले उसको डिसइंफेक्ट करना या फिर स्टेरलाइज करना ऑन साइट, वो भी सही तरीके से, जो भी यहाँ पे WHO के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जा रहा है। इट मीन्स कि प्रॉपर सैनिटाइज वगैरह भी यूज़ करना, जिससे कि जैसे आप कोई भी कचरे टच कर रहे हो तो प्रॉपर हाथ को सैनिटाइज कर लो। वैसे भी आप वो लोग डायरेक्ट जो है हाथों से नहीं करते, वो लोग ग्लव्स पहने रहते, बट फिर भी उसको भी सैनिटाइज करना बेटर तरीके से। ये प्री ट्रीटमेंट था कि कचरे को उठाने से पहले और कचरे को छूने से पहले क्या करना है, फेजिंग आउट करना है जितनी भी क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग्स है, ग्लव्स है और जो ब्लड बैग्स है जिसमें आपका ब्लड लिया जाता है, उस सब के यूज़ को यहाँ पे ख़त्म करना, बेटर सिग्रेशंस करना। ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे चार कैटेगरी रखा गया था। सबसे पहले कि अनट्रीटेड जो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है, और सेकंड कि एनिमल जो एनाटॉमिकल वेस्ट है, और फिर सॉइल्ड वेस्ट है और बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट है। ये चार तरीके के कचरे को यहाँ पे डिवाइड किया गया और जो भी इससे रिलेटेड कचरे हैं उसको यहाँ पे जो है आपका रखा गया। स्टोरेज ऑफ वेस्ट आप देखो तो यहाँ पे प्रोविज़न है जिसमें कि आपका सेफ तरीके से वेंटिलेटेड और जो सिक्योर्ड लोकेशन है वहाँ पर ही जाके ये सारे कचरे को डिस्पोज करना है। ओके, ट्रेनिंग और इम्यूनाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सारे हेल्थ केयर वर्कर्स को रेगुलर ट्रेनिंग देने की बात की जा रही थी, इम्यूनाइजेशन भी सारे हेल्थ वर्कर्स को। इट मीन्स कि आप देखो वैक्सीनेशन भी जब से पहले आया तो सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को, जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स थे उन सबको यहाँ पे वैक्सीनेशन दी गई। इट मीन्स कि इम्यूनाइजेशन उनको प्रोवाइड किया गया। ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग की बात करें तो यहाँ पे इंश्योर करना है कि जो बायोमेडिकल जो वेस्ट है जो कलेक्ट हो रहा है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेड, जो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है उसको ऑक्यूपायर के थ्रू, तो उसको बेटर तरीके से ट्रांसपोर्ट करना है, हैंडल करना है, स्टोर करके रखना है, ट्रीट करके रखना है या फिर डिस्पोज करना है बिना किसी एडवर्स इफेक्ट के, यानी कि ह्यूमन हेल्थ में और एनिमल में उसका कोई भी तरीके का गलत इफेक्ट ना हो, उससे बचाकर जो है ट्रांसपोर्ट करना है और उसके बाद उसको हैंडल भी करना है। डिस्पोजल का प्रोसीजर क्या है, तो बायोमेडिकल जो वेस्ट है वो यहाँ पे सेग्रीगेट करना है कलर्ड बैग में, यानी कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर के भी बैग रखे गए, जैसे यहाँ पे येलो, रेड, ब्लू और यहाँ पे वाइट रखा गया, क्योंकि चार तरीके के कचरे भी थे तो ये चार तरीके का बैग भी था जिससे समझ में आएगा। यहाँ पे आप देखो कि अप टू 48 आवर्स तक इसमें स्टोर करके रखा जा सकता है, और साथ ही साथ अगर देखें तो यहाँ पे जो मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग है उसका भी रिकॉर्ड हो रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे मेंटेन किया जा रहा है और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसको भी अपडेट किया जा रहा है, और जितनी भी रिकॉर्ड की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी रखा जा रहा है, ठीक है। रिकॉर्डिंग फॉर्म मीन्स ऐसा नहीं कि वीडियो रिकॉर्डिंग, सारी चीज़ों की जो भी डेटा है, जो भी रजिस्टर्ड फॉर्म है, वो सारी चीज़ें जो है एक अच्छे तरीके से फाइल में आपका मैनेज किया जा रहा है। साथ ही GPS और बार कोडिंग फैसिलिटी भी इस्टेब्लिश किया गया, वो भी कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी में भी। तो बार कोडिंग है जो कि इस तरीके से आपको देखने को
होता है वहाँ पर आप लोग जो है स्कैन करते हो, और GPS वगैरह भी लगाया गया जिससे कि बेटर तरीके से यहाँ पर देख सके इस वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी का। तो ये सारे प्रोविजन है जो कि इस रूल्स के अंदर है, जो कि आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये रूल्स इस बार बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले किया है और इसी के थ्रू जो है सारे काम हमारे कंट्री में COVID-19 पेशेंट को देखते हुए हुआ भी है और हो भी रहा है, और आगे आने वाले दिनों में भी यही बातें यहाँ पे आपका दोहराई भी जाएगी। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं। कल हम लोग ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट के बारे में देखेंगे और देखेंगे कि ई वेस्ट कितना ज़्यादा जनरेट हो रहा है, फिर इसको कैसे टैकल करना है। तो ये सारे एक इंपॉर्टेंट और इन्वायरमेंट के फेवरेट टॉपिक होते हैं, जो कि ये डे टू डे प्रॉब्लम है, एक समय का प्रॉब्लम नहीं है और ये आगे आने वाले सालों में भी बढ़ता ही जाएगा अगर हम लोग इसको ना रोके। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो प्रॉब्लम बढ़ते जा रही है और उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना ज़रूरी है, तो वैसे टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर आपको आज की लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और हाँ, आप लोग क्वेश्चंस के बारे में बोल रहे थे, तो नेक्स्ट जो हमारी लेसन होगी उसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट करेंगे और बेटर तरीके से आप लोगों को प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। कुछ हमारे तरफ से भी यहाँ पे क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा, तो उसको जरूर सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन जितना ज़्यादा आप लोग सॉल्व करोगे, टेस्ट पेपर जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे, उतना ज़्यादा आपको जो है ना बेनिफिट मिलेगा और चीज़ें समझ में आएगी उतना ज़्यादा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल हम लोग इसी टाइम पर, तब तक के लिए थैंक यू।